सेरेमनी भी है, अवार्ड सेरेमनी एंड ओरिएंटेशन सेरेमनी। हम हमेशा बच्चों को जो भी किसी भी को स्कॉलास्टिक एरिया में वो लोग परफॉर्म करते हैं वी ऑलवेज अवार्ड देते हैं। तो एकेडमिक्स में जब वो आउट परफॉर्म करेंगे तभी तो अवार्ड्स होने चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न वी कंडक्टेड अवार्ड सेरेमनी टुडे एंड इट वाज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आल्सो। सो द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल वाज सबमिटेड कि स्कूल ने पूरे साल क्या क्या किया, एकेडमिक एक्सलेंस, पोस्ट स्कॉलास्टिक एरियाज, जो भी इनके मैचेस हुए, इंट्रा स्कूल, मेनी स्कूल्स केम हियर, आवर स्टूडेंट्स वेंट टू मेनी स्कूल्स, वहाँ से क्या क्या जीत कर लाए, स्कूल जो टेन स्पोर्ट्स केटर करता है उसमें स्कूल ने क्या क्या कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया, क्या क्या बच्चे जीते। स्कूल गेव द एनुअल रिपोर्ट, जो भी स्कूल एक्सकर्शन ट्रिप्स पे जाता है। द स्कूल इज एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड फॉर 10th एंड 12th बोथ द क्लासेस एंड जो भी स्कूल CBSE की एडवाइस पे काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे जो भी हम डेज कराते हैं, जैसे रन फॉर यूनिटी हुआ था अम्बेडकर जयंती पे एंड G20 समिट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ऐसे करके जो भी स्कूल वेरियस इवेंट्स कराता है, टुडे वाज द एनुअल रिपोर्ट सबमिशन टू आवर पेरेंट्स कि पूरे साल स्कूल ने क्या मेहनत करी बच्चों पे। दैट इज द टुडे वी कंडक्टेड सच अ सेरेमनी टू टेल दैट। इस साल नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, नया क्या है? इन द न्यू सेशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020। द फाउंडेशन स्टेज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE इन दिस प्रेजेंट सेशन एंड वी विल ऑल्सो डू द सेम। नए सेशन में आप दूसरे स्कूलों से हटकर क्या कुछ नया करना चाहते हैं? वनस्थली पब्लिक स्कूल इज इन एजुकेशन इंडस्ट्री सिंस 35 इयर्स नाउ एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रिच एक्सपीरियंस ऑफ वनस्थली, इट पुट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर स्कूल्स, वेदर इट बी एकेडमिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक एरियाज। व्हेन इट कम्स टू द फाउंडेशन एजेस ऑफ द स्टूडेंट, जब ये NEP 2020 सजेस्ट हुई है, इसमें दो चीज़ें सजेस्ट हुई है, लर्निंग विद फन, फन विद लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब फाउंडेशन स्टेज में फन विद लर्निंग का मतलब है बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, दैट इज़ फन विद लर्निंग, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है करके सीखेंगे, साइंस एक्सपेरिमेंट या ऑक्सीजन कब इवॉल्व होती है किसी रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड कब इवॉल्व होती है, या फ्रैक्शंस का काम कैसे होता है मैथ्स में, ये अब करके सीखेंगे, बाय डूइंग इट, दे विल लर्न बाय डूइंग इट, बाय एक्सपीरियंसिंग इट। दैट इज न्यू इन NEP 2020 अंडर द विजन ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन 2023। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है तो उसको लेकर क्या कुछ नया टीचर को और स्टूडेंट को क्या कुछ नया आइडिया हुआ? एज वी फॉल अंडर द एफिलिएशन बोर्ड CBSE, so CBSE has organized many workshops to implement NEP 2020. सारे ही CBSE ने अब workshops implement करी हैं NEP 2020 के अंदर और सारे ही teachers उसमें training करने जा रहे हैं। सब teachers के online sessions और offline sessions book हुए हैं ताकि NEP 2020 full power में अपने आप को implement कर सके, ताकि बच्चे skill developed बच्चे बने। पहले जो NEP 2020 से जो बच्चे थे वो सिर्फ तीन sections में ही divided थे, science, commerce, arts। अब स्किल डेवलपमेंट पे हमारी सरकार फोकस करती है NEP 2020 में। हमने भी बच्चों को फर्स्ट वी हैव ट्रेन्ड आवर टीचर्स हाउ टू डू इट एंड नाउ वी आर ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स आल्सो हाउ टू हैव द स्किल सेट इन देम। थैंक यू।